और इस समय की ताज़ा खबर बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अहम बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष की अध्यक्षता में, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर इसमें चर्चा हो रही थी, चुनावी कार्यक्रमों पर भी इसमें मंथन हुआ। बैठक के बाद हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने ये बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर इसमें मंथन हुआ। हालांकि टिकट वितरण को लेकर अभी इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट किया अनिल जैन ने। विनोद लांबा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, क्या रहा सार बैठक का? देखिए, बैठक का जो सार था, अब तक की जो तैयारियां की गई हैं उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनसे, सीएम से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से, यानी कि तमाम जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, उनसे लंबी चर्चा की। कुछ फीडबैक भी लिया गया, कुछ सवाल भी पूछे गए और कुछ तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश अमित शाह की तरफ से भी दिए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर के लिए हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं से, इन पदाधिकारियों से मिले थे। उनको मुंबई जाना था, वो अपनी फ्लाइट पकड़ के निकल गए थे। लेकिन अमित शाह के साथ इस बैठक में मुख्य तौर पर अब तक जितनी तैयारियां हुई हैं उसको लेकर चर्चा की गई थी। कुछ पॉइंट्स को लेकर संतुष्टि भी जताई गई राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अमित शाह की तरफ से, और कुछ पॉइंट्स को लेकर गाइडलाइंस भी दी गई है। टिकट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कह रहे हैं अनिल जैन। ये भी तो हो सकता है विनोद, चूंकि अब मामला जब ओवर क्राउडेड हो जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये कि लंबा मंथन खिंच जाता है टिकट बंटवारे को लेकर। देखिए, टिकट को लेकर मंथन होता है निश्चित तौर पर, रूपरेखा कहीं ना कहीं पहले से ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं तैयार करके रखते हैं। हो सकता है कि बहुत लंबी चर्चा टिकटों को लेकर नहीं हुई हो। इसके बाद सीएम का भी बयान हुआ है, सीएम ने भी मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि अभी टिकटों को लेकर यही कहा गया है, जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और वहाँ टिकटों को लेकर बात की जाएगी। तो ये चीज अपने आप में दर्शाती है कि कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर ये तैयारी करने के लिए कह दिया गया है कि तमाम जो लोग हैं हरियाणा बीजेपी से जुड़े हुए अपनी तैयारी पूरी रखें, आचार संहिता के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाना इस चीज के लिए साफ तौर पर बताता है।